हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सबसे पहले नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट इज 7। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। एंड नाइट्रोजन ऑन द ग्राउंड स्टेट 2p लास्ट में लिखा, तो हम 2s ऑर्बिटल लेंगे पहले। 2s हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट इज अवर 2p। 2p के अंदर 3 होते हैं, 3 हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2-2 करके। 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1-1-1। नाइट्रोजन ऑन द एक्साइटेड स्टेट एज इट इज ऐसे रहेगा, क्योंकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स है, तो हमें 3 हमारे पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको कम्प्लीटली फिल कर देंगे, दैट इज 2p 2s। नाइट्रोजन NH3 अमोनिया, दैट इज अवर हाइब्रिडाइजेशन एज इट इज। जो पहले से कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, पहले से ही फुल्ली फील्ड होते हैं ऑर्बिटल, वो दीज आर अवर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नॉट फुल्ली, जिनको हम आखिरी में फील करेंगे इनके साथ 1-1 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सो दीज आर अवर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज़ अवर s1p3। सो अवर हाइब्रिडाइजेशन इज अवर sp3। और अब नेक्स्ट इज अवर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम हमेशा बनाने के बाद लिखते हैं, बिना बनाए हमें ज्योमेट्री का नहीं पता लगता। तो ज्योमेट्री के लिए पहले नाइट्रोजन होना चाहिए एक, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज़ अवर लोन पेयर। और 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। तो ये अब देखने से ही क्लियर हो रही है, दिस स्ट्रक्चर इज पिरामिडल। सो दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।